सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 साल पहले पदार्पण करने के बाद टीम से लगातार अंदर बाहर होने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक के खेल की चर्चा होती रहती है और ऐसे में वह खुद को टीम के लिए प्रासंगिक मानते हैं। वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का चयन 15 अप्रैल को हुआ और प्रतिभाशाली ऋषभ पंत की जगह 33 साल के दिनेश कार्तिक को जगह देने पर सवाल उठा था। मुख्य चयनकर्ता MSK प्रसाद ने विकेट के पीछे कार्तिक को बेहतर बताते हुए इस चर्चा को यह कहते हुए विराम देने की कोशिश की। कार्तिक ने इंग्लैंड रवाना होने से पहले एक इंटरव्यू में कहा, अगर परिवार और दोस्तों की दुआएं मेरे साथ नहीं होती तो मैं अभी तक खेल नहीं पाता। अच्छा या बुरा, अगर लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप प्रासंगिक बने हुए हैं। यह देखना काफी सुकून देता है कि मैं इतने वर्षों के बाद भी प्रासंगिक बना हुआ हूँ और टीम का हिस्सा होने के लिए अब भी मेहनत कर रहा हूँ। कार्तिक ने महेंद्र सिंह धोनी से पहले पदार्पण किया था और अगर धोनी भारतीय टीम में नहीं आते तो कार्तिक ने करियर में 26 टेस्ट और 91 वनडे से कहीं ज्यादा मैच खेले होते। कार्तिक को यह मानने में कोई हिचक नहीं है कि वह एक विशेष खिलाड़ी के कारण टीम से बाहर हुए। वर्ल्ड कप 2019 से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और अगर आपको ये न्यूज पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।